हेलो गाइस, जय श्री राम भाई। अपना सो के उठ रहे हैं और नहा धो के भी, और वैसे भी तो नाश्ते की तैयारी हो रही है। नाश्ता बना लिया है मुस्कान ने, और आज तो बेहतरीन नाश्ता बनाया। आज दिखाऊंगा दिखाऊंगा आपको, अभी दिखाता आपने। नाश्ता पराठे और आलू बैंगन और चाय, सुबह सुबह मज़ा ही आ गया खा के। पर आज आपको दिख रहा होगा, आज थोड़ा मूड सा ऐसे ही लटका पड़ा है आज तो हमारा, और मुस्कान का भी है। आज मेरे दिन की शुरुआत ही नहीं हुई है, पता है? ऐसा क्यों, लग रहा है जैसे दिन का शुरुआत ही नहीं हुई है अभी तक। कैसे? पहले से यादव की न्यूज़ सुनी ना, जब से उसकी मम्मी इतनी परेशान है, पापा पता नहीं कौन फंसा रहा है उसको, झूठ बोल रहा है। पता नहीं भाई कौन फंसा रहा है, और अभी सिंपल उनकी सा लड़का है अभी अभी वो, उनकी लाइव इग्नोर न्यूज़ भी वाली देखी है, सिंपल तो सा मम्मी लड़का पापा है वो, का बुरा हाल हो रहा है रो रो के। सिंपल सा लड़का है, बिल्कुल शादी करने वाला है और उसको जबरदस्ती फंसा रहे हैं। जय श्री राम बोलता था ना वो, बस इसलिए फंसा रहा है। सबको पता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन कोई ये खैर तो ये तो पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि जो हिंदू का नाम का स्टिकर चला था वो भी उसने चलाया था, एडमिशन चल वो रहा है। हिंदू का सपोर्ट करता है ना ज़्यादा, इसलिए फंसाया जा रहा है। और बाकी सबसे बड़ी चीज़ तो यह है, उसको सैटरडे वाले दिन पकड़ा गया है, नोटिस वाली बात तो ये है। सैटरडे वाले दिन, क्योंकि संडे का ऑफ रहता है, तो संडे को उसको जमानत वगैरह ना मिले। और ये तो देखो, इतनी जल्दी से उसको मतलब जेल में डाल दिया। इतनी जल्दी जेल में डाल दिया, और भाई पता नहीं क्या क्या कौन कौन से इदारे लगाए थे उस पर, 161, 120, 161 पे तो और नहीं होता है, और 161 पर तो गिरफ्तारी भी नहीं है। गिरफ्तारी भी नहीं, और फिर भी उसको गिरफ्तार कर दिया रातों रात। अभी देखा जाए तो पूरी तरीके से प्लानिंग है, बस ये है कि स्क्रिप्टेड है सारी, इन्होंने ना हल्के में ले लिया था उन्होंने ये, वैसे इन्होंने ये सोच तब लिया देखो भाई कि गलत हम होता है गलत ना। है ही नहीं, तो हम क्यों इतना इस चीज़ में पड़े, जो होगा वो ही वो पकड़ा जाएगा। अब ये नहीं बता इन्होंने कि हमारे ऊपर इतना भारी पड़ जाएगा केस, ये तो ये वकील वकील करके रखते हैं अपने पहले ही। एल्विस के फैंस सारे मतलब परेशान हैं, हम खुद परेशान हैं। हमारा मतलब मैं मॉर्निंग में उठी हूँ ना, कल से न्यूज़ देख रही हूँ, मॉर्निंग में भी मेरे दिमाग में ये चल रहा है। मतलब मैंने ये देख लो, मैं कौन कौन से वो देखती हूँ लोग, एक तो सौरभ जोशी का देखती हूँ, ठीक है, एक एल्विस यादव का भी देखता हूँ, 12 बजे आता है, तो मैंने आज सौरभ जोशी का भी व्लॉग नहीं देखा। तो किसी का देखने का आज मन मेरा ही, मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल आज तो भी। भाई किसी का देखने का मन ही नहीं कर रहा, बस थोड़ी सी उम्मीद और ये ये है कि देखो कि बाहर आ हम जाए। तो सिर्फ उनकी उसकी वीडियो देखते हैं, एल्विस की व्लॉग वगैरह जो होता है वो देखते हैं, उनसे पूछा जो उनके माँ बाप पे बीत रही होती, वो होता कैसे रह रहे होंगे कैसे नहीं, पर अभी टेंशन सी हो रही है। और एक तो उसके एक तो यूट्यूबर तो और भी था, वही वाली बात है कि व्लॉग उसका ही चल रहा था टीवी पर, टीवी पर उसको एक एक चीज़ जितने ये दिखा रहे छोटे हैं, न्यूज़ चैनल वाले हाँ सब उसके हैं पीछे लगे पड़े उसके हैं। अच्छे काम तो भाई दिखाए ना, क्या ये हर सैटरडे उसका भंडारा भी करवाता है, हाँ 5 रुपए खाना भी, में पांच भरपेट रुपए में खाना भी भर खिला पेट रहा है, वो खाना, तो चीज़ कोई दिखाता नहीं, उसकी अच्छी चीज़ है कि उसने इतना सपोर्ट करा है लोगों को, वो तो दिखाते नहीं है, बस ज़रा सा कुछ गलत बोल दे तभी उसके लिए चलने के लिए। तो वही मैं वाली भाई बात है ना कि एक एक नॉर्मल अपना इंसान, चैनल चलाने के लिए इन्हें ना वही मिल रहा है। नॉर्मल इंसान वही वाला डाउन टू अर्थ वाला बात है, जमीन से उठ के ऊपर पहुंच रहा है, उस इंसान जीने नहीं देते, ये बात है। वही तो चक्कर अब है वो ना। फैंस किस काम के जो ये छोटी मोटी ये न्यूज़ देखकर और उसको हेट हेट दे रहे हैं, वो वही तो फैंस कह रहा कैसे हूँ हो जो ना पल भर में भाई, बदल जाए, बंदे की कहीं ना कहीं जब इंसान बचता है उसके साथ उसके साथ चीज़ सपोर्ट कुछ होते होती रहते है, हैं। पहले उस चीज़ के बारे में भाई जानो अच्छे से कि हो क्या रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि इंसान ने 100 काम करे हो, अगर एक गलत हो भी जाए तो भाई 100 काम पीछे के भी देखो कि उसने अच्छे काम भी बहुत करे हैं उसने, ये नहीं है कि एक चीज़ पे ही हेट दे दिया, उससे नफरत करने लग तो एक गए मिनट भी पल भर में ना, ही ऐसे वो बंदा आरोप बस तो ये है लगा, कि आरोप तो पता नहीं हंसमुख कौन कौन है से और लगे रहते हंसाता हैं, भी रहता है सबको। सिद्ध तो नहीं हुए ना अभी, आरोप ही तो लगे हैं। और अभी तो उसके साथ कुछ चीज़ें बरामद भी, सबूत भी कहाँ नहीं बरामद, सच्चे उसके पास सच्चा थोड़ी थैंक बरामद यू हुए। आया, देखो जो उसके साथ बुरे टाइम में खड़ा है, ये नहीं कि एक न्यूज़ सुनते हैं और आप पलट दो कि भाई तेरे साथ अच्छा हुआ, भाई ये हुआ, ऐसे ऐसे देखो जो कमेंट उसके देने सच्चे धीरे धीरे। फैन हैं, जो शुरुआत से भाई उसे देखते हुए आ रहे हैं, जिन्हें पता है कि भाई वो कैसा है रियलिटी में भी और वैसे भी, कि वो बंदा इतना गलत काम कभी कर ही हंसी नहीं मजाक सकता, करने वाले इंसान के साथ ऐसा हो रहा, तो ये दुनिया की नज़र है ना खा जाती है। इससे अच्छा तो फिर ये कि इंसान बिग बॉस में ही ना जाए, बिग बॉस से ज्यादा थोड़ा सा फेम मिल गया तो उसको पकड़ लो, ये ना कि इससे अच्छा तो वो चक्कर बिग यूट्यूब बॉस पे से ज़्यादा रहता। फेम मिल गया ना, बिग बॉस में ना जाता तो नॉर्मल ही रहता वो। वही है कहते हैं ना कि इंडिया में जब लोग बढ़ते हैं ना ऊपर, कोई कामयाबी छूता है तो अपने ये लोग खींचते हैं पहले झूठे इल्जाम लगा रहे हो, दबा झूठे दबी जो, बिग लगा रहे हो, केस लगा लो, उसे तो मैं करूँगा, उसे तो उसे भाई निकाल लिया लोगों को थोड़ी लेके देर। गए, उसे तो ये कह के लेके गए कि इससे पूछताछ होगी, और उसे ये नहीं पता था कि इसके इतनी दारे लग जाएंगी और ये 14 दिन के लिए रिमांड पे भी जाएगा।
मान लो ना उसके पास अभी तक तो कोई सबूत मिला है ना, अभी तक ये ना ये कंफर्म हुआ है कि वो जब वो पार्टी हो रही थी वो पार्टी में भी नहीं था, ना उसके पास कोई सबूत मिला, अभी तो दूसरे के बोल के ऊपर है। बहुत खराब हो रहा है सच्ची में। और अभी अभी बस एक चीज़ और खुलासा हुई है कि अभी उसके पापा बता रहे थे अभी कि अभी एलविस से पूछा गया था, भाई तेरे से कुछ पूछा गया क्या, वो मना कर रहा था कि अभी तो कुछ नहीं पूछा गया मेरे से। बाकी तो चलो भैया, अगर उसने कुछ गलत भी करा होगा, अगर ऐसा कुछ सच में उसने किया है तो देखो भाई सजा तो होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें गलत है अगर उसने ऐसा सच में कुछ किया है। पर जहाँ तक लगता है उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, जब उस पर ये शुरू शुरू में जब आरोप लगा था कि भाई इस पर ये सांपों का जहर था, उस पार्टी में था उस दिन ये था, पर उस दिन का तो उसका ब्लॉग भी था, वो मुंबई में था, वो सलमान खान के उस पर गया हुआ था अरे प्रमोशन तो करने करियर गाने का। करियर खा गई इसका लग रहा अब है, जैसे करियर ना खत्म है इसका। लोग यही करते हैं भाई, करियर ही खाते हैं, जब लोग इतना आसमान पे उठ जाता है ना तो किसी न किसी की तो हाई लग ही जाती है। पर बाकी भगवान देख रहा, भगवान को जो भी ठीक लगे उसके साथ अच्छे ही होगा। बस एंड कर दो उस मूवी को आप। बाकी भाई कोई नहीं, मिलते हैं आपसे बाद में, बस थोड़ा सा आज आपसे यही बातें करने आए थे इस सपोर्ट कि में खड़े बहुत बुरा लग रहो, रहा है बस। और जो भी फैन है उसका सच्चा फैन है, एक चीज़ को ऊपर जज मत करो उसको, चीज़ों को जानो पहले अच्छे से, फिर उसके बाद बोलना चाहिए हमें, एक तो उसे घर के सपोर्ट नहीं करो। इस टाइम उसके माँ बाप को और उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की एक ज़रूरत है। फैमिली की तरह बन गया था हमारे, डेली हम तो देखते फैमिली की बाहर तरह यह था उसका व्लॉग देख, कैसे लगता ही व्लॉग नहीं था कोई एक स्टार का वीडियो व्लॉग देख रहे हैं, एक ऐसा लगता नॉर्मल था जैसे कोई अपना बना रहा है। और अच्छा भाई उसका व्लॉग देखते हुए इंसान एक सेकंड के लिए मैं तो बोर ना कह रही हो हूँ आज ऐसा लग रहा है जैसे कि फैमिली के साथ कुछ ऐसा हुआ है, हमारे जाता है ना, फैमिली के जैसे साथ घर में ऐसा, से फैमिली जैसे घर में कोई मेंबर मेहमान आ से जाता है और आ मेहमान चला जाता है, घर सूना सूना सो जाता है। वो इस तरह का ना बड़ा सैडनेस आ गया इसमें। तो चलो भाई मिलते हैं आपसे बाद में ना।